सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी, देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ नाग भागवत कथा सुनने। नाग एक जगह का नाम है और वहाँ पर शिवालय भी है, वहीं पर भागवत कथा हो रही है। मैं नहीं, मेरी माँ ताई लोग सभी जा रहे हैं। और आज का मौसम तो आप देख सकते हैं, अभी तो मैं जंगल के रास्ते से होके जा रही हूँ तो यहाँ पर धूप नहीं लगी हुई है, तो आज अच्छी सी धूप लगी हुई है। दोस्तों हमें इस जंगल से होके जाना है नीचे नाग। नाग एक स्थान का नाम है और वहाँ पर शिवालय है और वहीं पे भागवत कथा हो रही है। वहाँ पर देखिए हमारे गांव के सभी महिलाएं भी भागवत कथा सुनने आ गए हैं। आज भंडारा है, आराम से। जाने का जो रास्ता है वो घने जंगल से होके जाता है और ये लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, पता नहीं आज पता नहीं क्यों जल्दी जा रहे हैं। कि हम पहुंच चुके हैं नाग मंदिर में और यहाँ का वातावरण आप देख सकते हैं। दोस्तों हम कथा पंडाल में पहुंच चुके हैं और आप यहां पर देख सकते हैं आज हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। माँ लोग वहां पर बैठे हुए हैं और मैं यहां पर पहुंच गई हूं, तो मैं आपको दिखाती हूं कैसे कथा पंडाल सजी हुई है। दोस्तों ये है नागेश्वर मंदिर जो कि जंगल के बीच में बसा हुआ एक सुंदर सा स्थान है और यहीं पे भागवत कथा हो रही है। और यहाँ आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारे माल्टा नींबू के पेड़ हैं जो बिल्कुल भरे हुए हैं फलों से। सरस्वती पितृचरण कमलाय नमः, श्री पितृदेवाय नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। वर्णानामार्थ संघा रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां मुचिकर्तारो
वंदे वाणिविनायक सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि का समापन भी हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर। और मौसम आप देख सकते हैं, मौसम यहाँ पर से तो क्या ही दिखना, पर मौसम बिल्कुल सब अब बारिश आने को हो रखा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय देव हूँ उत्तराखंड।